भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के ही नेता और विधायक अजीब खेल खेल रहे हैं कहीं राहुल गांधी के पहुंचने से पहले इस्तीफों की झड़ी लग जाती है राहुल गांधी को गुजरात अभी जाना है लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही तीन विधायकों ने पार्टी छोड़ दी राहुल मध्य प्रदेश में है एक दिन पहले ही कांग्रेस के सात पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब राहुल गांधी की रैली से आधा दर्जन विधायक गायब हो गए बड़ी बात यह कि कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सारे विधायकों को राहुल गांधी की रैली में कमलनाथ भी शामिल नहीं हुए हालांकि मंगलवार को कमलनाथ और जैन महाकाल मंदिर में राहुल गांधी के साथ थे रिपोर्ट कमलनाथ के गायब होने को लेकर बताया गया है कि वे सीईसी की बैठक के लिए गए हुए थे खास बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 29 में से 25 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है और छिंदवाड़ा समेत पांच सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना बाकी हैं। खबर है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने एमपी के सभी छियासठ विधायकों के साथ बैठक में शामिल होना तय किया था कमलनाथ ने कहा कि मुझे सीई की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया था अन्य छह विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में क्या करते उन्होंने जानकारी दी कि सिर्फ छिंदवाड़ा के विधायक ही नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्र के नेता भी बदनावर रैली में शामिल नहीं हो सके थे उन्होंने कहा कि के विधायक पहली रैली में भी शामिल नहीं हुए थे खास बात की बदनावर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का गढ़ माना जाता है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है रिपोर्ट के मुताबिक छिंदवाड़ा क्षेत्र के सभी छह विधायक न्याय यात्रा के सभी छह दिन गायब रहे नकुलनाथ सिर्फ एक ही दिन शामिल हुए सिंघार ने बताया कि विधायकों के पास अपने कुछ कारण है वे निजी कारणों के चलते नहीं आए कमलनाथ जी उज्जैन में थे इसलिए छिंदवाड़ा से सात कांग्रेसी पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया